समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। जी मीडिया संवाददाता से खास बातचीत में और क्या कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे करहल की जनता यहाँ पर कितना माहौल टाइट है वो समझने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र जी, कितना ज्यादा जोश यहाँ पर देखने को मिला अखिलेश जी के आने के साथ? बहुत जोश में है लोग और लोग इंतजार कर रहे हैं 20 फरवरी का, जिस दिन उन्हें वोट डालने का मौका मिलेगा और ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले हैं लोग माननीय अखिलेश यादव जी को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता मौजूद है, कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, तमाम नेताओं के ऊपर एक अकेला समाजवादी विजय रथ यात्रा और उस यात्रा के नायक माननीय अखिलेश यादव जी भारी थे और आज भी भारी हैं और ऐतिहासिक जीत होने वाली है 10 मार्च को जो परिणाम आएगा। बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है, विकास की बात कही जा रही है, लेकिन जब करहल घूमे तो उन्होंने बोला, जनता ने बोला यहाँ से हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है। बिल्कुल पार्शियलिटी न केवल करहल मैनपुरी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ बीजेपी के लोगों ने कर डाली। बीजेपी के लोगों ने कहीं विकास और तरक्की तो की ही नहीं बल्कि जो काम समाजवादी सरकार के चल रहे थे उन कामों को भी रोका गया और जो उस समय के काम पूरे हो गए थे उन्हीं के फीता काटने में 5 साल इनका गुजर गया। इनकी अपनी एक भी योजना ऐसा नहीं है जिस योजना को ये पूरा कर पाए। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है आसपास के जो क्षेत्र हैं या सीटें हैं उस पर असर पड़ेगा? स्वाभाविक है, उनके लड़ने से न केवल मैनपुरी जिले में बल्कि आसपास के तमाम जिलों में बहुत दूर दूर तक उनके लड़ने का असर जाने वाला है। एक आखिरी सवाल ईमानदारी के साथ, कितनी सीटें आ रही हैं? 400 पार। चलिए बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र यादव हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि 400 पार सीटें आ रही हैं, अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पर असर पड़ेगा आसपास के क्षेत्रों में। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ पर आ जाए किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरामैन शिव के साथ मैं अनुज श्रीवास्तव, मैनपुरी, जी मीडिया।